फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से जो है लेखपाल, जो हमारे यहाँ भर्ती आने वाली है लेखपाल की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ प्रेजेंट में क्या सिनेरियो बन सकता है क्वेश्चन का, वो भी साथ साथ में हम देखते चलेंगे, ठीक है? तो ये हमेरा हमेशा जो हमारा क्राइटेरिया रहता है और ऐसे ही डिस्कशन आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। तो चलिए जो है क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल वंश के सबसे प्रथम राजा कौन थे। पाल वंश के प्रथम यानी कि फर्स्ट किंग का नाम आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, ठीक है? क्या हो जाएगा? धर्मपाल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत थी, उससे अगर आपका क्रम पूछा जाता है, तो देखिए क्रम को हम कैसे याद कर सकते हैं। गुलाब, ये ट्रिक है, ठीक है? इस ट्रिक को नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। गुलाब खिले तुम सैर लो, ठीक है? ये जो है आपसे क्रम पूछा जाता है, तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। तुम से हो जाएगा तुगलक। गुलाब खिले तुम सैर, सैर से हो जाएगा सैयद। लो से हो जाएगा लोदी वंश, ठीक है? क्या हो जाएगा? लोदी वंश। तो ये जो है ट्रिक है दिल्ली सल्तनत की, जो शासन थे उसकी ट्रिक, तो ये ट्रिक आप जो है साइड में नोट कर लेना, ठीक है? इसी क्वेश्चन के साथ ही दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य, कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असम, ठीक है? क्या हो जाएगा? असम। यहाँ पर क्या है आंसर? धर्मपाल। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जो UNHRC है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसका जो पूछा गया है कि आर्टिकल 4 क्या है। इसका आर्टिकल 4 आपसे पूछा गया है कि किस बारे में ये बताता है। तो ये क्या बताता है? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। आर्टिकल ये जो इम्पोर्टेंट है, देखना है, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए कि UNHRC, क्योंकि अभी UNHRC जो है काफी ज्यादा न्यूज में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो आर्टिकल नंबर 4 है किस बारे में आपको बताता है। तो ये बताता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि दास प्रथा से मुक्ति के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा गया है। हिंद स्वराज नाम की बुक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, ठीक है? इतना आप लोग डाउन करिए। तो आप लोगों ने इतना क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था? 5, ठीक है? पूछा गया है कि मौर्य वंश के लास्ट रूलर का नाम क्या था। मौर्य वंश के लास्ट किंग का नाम क्या था? तो आप आंसर करेंगे क्या? बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ, ठीक है? 6th क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट नंबर 4 है वो किसके बारे में बताता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? DPSP, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपसे इसका आर्टिकल नंबर पूछा जाता है तो 32 से 51 आर्टिकल नंबर हो जाएगा। इसको हमने कहाँ से कॉपी किया है, यानी कि भारतीय संविधान में इसको कौन से देश से अडॉप्ट किया गया है? तो आंसर बन जाएगा क्या? आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। अगर पूछा जाता है आयरलैंड ने इसको कहाँ से कॉपी किया, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? स्पेन। इन्होंने स्पेन से कॉपी किया, आयरलैंड से हमने कॉपी कर लिया, ठीक? 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार पटेल एग्रो एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। सरदार
पटेल जी के नाम पर एग्रो एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेरठ। क्या है, मेरठ, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 7 क्वेश्चन, ठीक। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ संविधान सभा, यानी कि जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो उस समय जो संविधान सभा थी उसके यूनियन पावर कमिटी कौन बनाए गए थे। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, यूनियन पावर कमिटी के राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिया है, ये लेक्चर यहीं पर अब जो है रुकने वाला है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे, ठीक है। अगर आप कहें तो जो है इसके मैं क्या सोच रहे हैं कि जैसे संविधान सभा जब बनाई गई थी 1947 के अंदर, जब सभा एक बनी थी, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं जो है एक जो वीडियोस के ऊपर बना देती हूँ, जिसमें क्या होगा कि ऐसे पहले पहले जो थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, पहले यूनियन मिनिस्टर कौन थे, पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, पहले सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री किसके पास थी, सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर करा देती हूँ, ठीक है। तो जो है अगर आपको इस पर हाँ करते हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। इसके ऊपर आपकी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।